नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं जो शिक्षा कौशल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक था वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा, उसका मैंने एक जो विषय उसमें जो भी टॉपिक आने आने वाले थे उससे संबंधित मैंने वीडियो बना रहा था। अगर आप प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। शिक्षण कौशल के अंतर्गत जो 10 नंबर का टॉपिक है उसको मैं कवर करा रहा हूँ। तो अब इसमें हमने जो शिक्षण कौशल का वर्तमान भारतीय प्रारंभिक शिक्षा के जो नवीन प्रयास थे उसमें का मैंने जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे उसको लेकर आया था। तो हमने पिछली वीडियो जो बनाया था उसमें था 1813 का, 1833 का, 1839 का आज्ञा पत्र। इस वीडियो में हम 1854 का आज्ञा पत्र आपको बताऊंगा। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं, हर साल प्रश्न बने हैं। तो आप इस टॉपिक को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और इसमें जितने भी मैं टॉपिक इंपोर्ट लिखा हूँ वो सब महत्वपूर्ण है इस चैप्टर के, मतलब कि ये जो टॉपिक उठाया हूँ यहाँ से संबंधित। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्त हम सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो पहले थोड़ा हम पीछे की बातें कर लेते हैं। पीछे की बात ये कर रहे हैं कि जब हमने 1813 का आज्ञा पत्र पढ़ा, फिर उसके बाद 1833 का और 1839 का, तो इन इन जो आज्ञा पत्र में जो भी शिक्षा के संबंध में जो भी बातें कही गई थी अंग्रेजी सरकार के द्वारा या ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, उससे संबंधित मैंने पिछली वीडियो में मैंने बात किया था। अब जब 1833 का आज्ञा पत्र आया उसके 20 वर्ष बाद फिर एक नया संशोधन हुआ, नई नीतियां बनाई गई और नए कार्य किए गए। उसी के संबंध में 1854 में जो है एक नया आज्ञा पत्र आता है और जिसको नाम दिया गया गुटका घोषणा पत्र। उस समय अगर हम बात करें गवर्नर जनरल की तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी और इनका शासन काल था 1848 से 1856 तक का शासन काल था लॉर्ड डलहौजी का। अब इन्होंने जब इनका शासन काल था तो अब 20 वर्षों बाद हर 20 वर्ष बाद एक आज्ञा पत्र आता था और उसमें संशोधन होता था कि यानी कि पिछली जो नीतियां बनाई गई थी उसको अगली नीतियां में संशोधन कर शिक्षा के स्तर को ऊंचा करना, मतलब कि जो शिक्षा के स्तर को ऊंचा करना इनका मकसद हुआ करता था। अब क्या हुआ कि जब 1854 में जब नया घोषणा पत्र आया तो उस समय जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि शिक्षा के जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति थे वो चार्ल्स बुक थे। पिछली जो थे वो मैकाले को बनाया गया था और मैकाले ने शिक्षा के संबंध में जो भी बातें बताई कि उनके अनुसार शिक्षा की नीतियां बनाई गई थी, लेकिन इस बार चार्ल्स वुड और यह बहुत एक शिक्षित व्यक्ति थे, इनको शिक्षा का कार्यभार दिया गया कि आप शिक्षा के विकास के लिए आप कैसे नीतियां बनाएंगे, इनको पूरा कार्य सौंपा गया था। अब क्या हुआ कि इन्होंने शिक्षा के विकास के लिए एक नया नीति बनाया, मतलब कि एक इन्होंने खुद अपना एक शोध कर इन्होंने जो सुझाव दिए थे उस सुझाव के बारे में मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ, इसी चीज को आपको बताऊंगा और यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो ध्यान रखिएगा। पहला इनका सुझाव क्या था पहले ये सीखिए। इन्होंने कहा था कि भारतीय शिक्षा के प्रसार की जिम्मेदारी कंपनी की होगी, मतलब इन्होंने कहा था कि जब शिक्षा का जब प्रसार हो रहा है उसकी पूरी जिम्मेदारी कंपनी की होगी, ठीक। और दूसरा इन्होंने कहा था कि जिन लोगों को शिक्षा दिया जाए उनका माध्यम केवल अंग्रेजी ही न हो देसी भाषा को, यानी कि ये दोनों भाषाओं को महत्वपूर्ण माना, अंग्रेजी के साथ साथ जो स्थानीय भाषाएं थी उसको भी महत्वपूर्ण माना। तो ये चीज याद रखिएगा कि चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में किस भाषाओं को महत्वपूर्ण माना गया था, तो ऑप्शन के अनुसार इसको बना देगा तो दोनों भाषाओं को महत्वपूर्ण माना गया था। इनका उद्देश्य क्या था शिक्षा देने का, इनका उद्देश्य क्या था कि ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे लोगों का मानसिक और चारित्रिक विकास हो। देखिए किसी भी व्यक्ति का अगर आप विकास करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम उसका मानसिक और चारित्रिक विकास करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इन्होंने सीधा उद्देश्य बताया शिक्षा का कि मैं शिक्षा ऐसा देना चाहता हूँ जिससे लोगों का मानसिक और चारित्रिक विकास हो। दूसरी बात इन्होंने कहा था उद्देश्य के अंतर्गत कि ऐसी शिक्षा देना चाहता हूँ जिससे कंपनी के उच्च पद या राजपद जो होते हैं, कंपनी के ऊंचे ऊंचे पद होते हैं, उस पदों पर नियुक्त हो सके, मतलब भारत भी उस पद पर नियुक्त हो सके। दूसरा इनका उद्देश्य था शिक्षा देने का। तीसरा था कि ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे भारतीयों को पाश्चात्य शिक्षा से भी अवगत कराया जाए, यानी कि जो अंग्रेजी शिक्षा थे या पश्चिमी मूल की जो शिक्षाएं थी उससे भी इनको परिचित कराया जाए। और चौथा उद्देश्य था कि आगे चलकर बच्चे
मतलब कि ऐसी शिक्षा दी जाए जो आगे चलकर इनके बच्चे समृद्धशील नागरिक बन सके। समृद्धशील नागरिक बन सके का मतलब ये हुआ कि एक समर्थवान बन सके। अब जब अपना खुद समर्थवान मतलब कि अपनी जीव का खुद पालन कर सके, जिससे अगर आप मान लीजिए कि किसी भी आप अगर आपकी आप अपने आप में एक समर्थवान है, तो आपसे आपका परिवार का समर्थवान बनेगा, उससे बाद उसका आपसे आपका देश भी समर्थवान होगा। तो एक समृद्धशील नागरिक बनाने की शिक्षा देने का इनका उद्देश्य था। पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो चार्ल्स वुड ने पाठ्यक्रम को भी कवर किया है। उन्होंने कहा है कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत अंग्रेजी साहित्य को रखा जाए, संस्कृत और भारतीय साहित्य तीनों को रखा जाए। देखिए यहाँ पर क्या था कि हिंदी और मतलब देसी भाषा और अंग्रेजी भाषा दोनों को महत्व दिया है, और पाठ्यक्रम के अंतर्गत अंग्रेजी साहित्य को भी महत्व हुआ, संस्कृत और भारतीय साहित्य को भी महत्व दिया था। ये एक ऐसा घोषणा पत्र था वुड का कि ये पाश्चात्य शिक्षा को भी महत्व दिए और प्राच्य शिक्षा को भी महत्व देते थे। दूसरा इन्होंने बात कहा कि अध्यापकों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना किया जाए, मतलब कि जो अध्यापक हो उनको प्रशिक्षण दिया जाए, शिक्षण दिया जाए। इन्होंने इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखा है कि उनको दिया जाए। तीसरी बात, स्त्री शिक्षा को भी बढ़ावा देने की बात करते, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये पहला जो घोषणा पत्र है जिस घोषणा पत्र में स्त्री शिक्षा को भी बढ़ावा देने की बात कही गए थे। इन्होंने एक बात को कहा था कि जो व्यक्ति अपने स्त्रियों या अपने बच्चों को लड़कियों को शिक्षा देने की बात करते हैं, वह हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब कि जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो एक समृद्धशील व्यक्ति हैं, उनको ये इन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था, ऐसा स्टेटमेंट कहा था। चौथा बात, इन्होंने का व्यापारिक शिक्षा को भी बढ़ावा देने की बात की थी, यानी कि व्यापारिक शिक्षा को भी बढ़ावा देने की बात इन्होंने चौथा में पाठ्यक्रम में कहा था। पांचवा में कहा था कि विद्यालय प्रबंधन के लिए सहायता अनुदान प्रणाली की भी व्यवस्था की जाएगी। सहायता अनुदान प्रणाली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति अगर शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान खोलना चाहता है, तो पहली चीज उसको सरकार सहायता दे सकती है कुछ, और वह व्यक्ति शिक्षित हो, मतलब एक सुयोग्य व्यक्ति हो जो उस शिक्षण संस्थान को खोलना चाहता है। तो इस जो टॉपिक के अंतर्गत कहा गया कि विद्यालय प्रबंधन के लिए, मतलब कि आप विद्यालय खोल रहे हैं तो आपको सहायता अनुदान सरकार दे सकती है, इस वुड घोषणा पत्र में कहा गया है। छठवां कहा गया कि उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जगह जगह विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाए। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जगह जगह विश्वविद्यालय की स्थापना करने की बात इस वुड के घोषणा पत्र में कही गई, और इसी के तहत यानी कि वुड के घोषणा पत्र के ही तहत कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना करने की बात कही गई थी और की भी गई इसी घोषणा पत्र के तहत, यानी कि तीन जगह विश्वविद्यालय की स्थापना करने की बात कही गई थी। यानी कि अभी मैं जब इसका टॉपिक का प्रश्न बना रहा था, प्रश्नों की सीरीज, उसमें मैंने एक प्रश्न देखा था कि 1854 के घोषणा पत्र में क्या कहा गया था, ऐसे प्रश्न बना था, उसमें दिया था कि विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थापना करने की बढ़ावा देने की बात कही गई थी। तो ऐसे ही ऑप्शन दिए थे। ये जो मैं ये लिखा हुआ कि उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जगह जगह विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, तो ये भी इम्पोर्टेंट मतलब कि फैक्ट है इसके अंतर्गत, ठीक। तो इसको याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। इनके द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर वुड डिस्पैच को, मतलब कि देखिए इसमें जितने भी सुझाव दिए गए हैं उसके आधार पर वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वो भारतीय शिक्षा का अधिकार पत्र कहा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जितने भी इस वुड के घोषणा पत्र में बातें कही गई है उसके आधार पर इसको मैग्ने काटा और भारतीय शिक्षा का अधिकार पत्र कहा जाता है, ठीक। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा हूँ कि 1853 के वर्ष को आधुनिक भारतीय शिक्षा के विकास की किशोरावस्था की संज्ञा प्रदान की जाती है। आधुनिक किशोरावस्था की संज्ञा प्रदान की जाती है इस वुड के घोषणा पत्र में। तो आप इससे मतलब कि जब इतना टॉपिक आप पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि पिछली जितनी भी मतलब कि जितनी भी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किए गए थे उस क्षेत्र में ये सबसे ज्यादा अग्रणी स्थान है, मतलब कि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण घोषणा पत्र था शिक्षा के क्षेत्र में। तो इसीलिए शिक्षा के विकास में इसे किशोरावस्था की संज्ञा दी गई है।
और एक 1854 के घोषणा पत्र के समय, यानी कि जब ये गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे, तो इसी के तहत मतलब इसके बाद ही रुड़की का इंजीनियरिंग कॉलेज इसी समय स्थापित किया गया था, रुड़की में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो ये थे वुड के घोषणा पत्र से संबंधित जितने भी फैक्ट थे, मैंने इसमें कवर करा दिया। और इसके बाद कोई भी महत्वपूर्ण है मतलब कि वाक्य हमको नहीं लगा जो मैंने इसमें कवर नहीं किया, तो ये हमारा वुड का घोषणा पत्र अब होता है समाप्त। अब हमारा अगला जो भी होगा टॉपिक, मतलब जो सिलेबस में मैंने बताया था कि ये वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, जो भी होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप प्राथमिक सुपर टेट की तैयारी करते हैं, जो शिक्षण कौशल 10 नंबर का टॉपिक है उसको मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें से एक एक टॉपिक करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप वीडियो को पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्त, हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।